2024 में कौन बनेगा प्रधानमंत्री और कौन होगा विपक्ष की तरफ से चुनौती देने वाला चेहरा, राजनीतिक शास्त्र की इस कहानी में गुणा गणित वाली तीन तस्वीरें। नीतीश कुमार 3 दिन के दिल्ली दौरे में तमाम बीजेपी विरोधी नेताओं से मुलाकात करते हैं, विपक्ष जोड़ने में लगे हैं। कांग्रेस कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा लेकर बुधवार से निकलने जा रही है और तब बीजेपी दिल्ली में इस बात पर मंथन करने में जुटी है कि 2019 में जिन सीट पर हारे वहां 24 में कैसे जीत जाएं। ऐसे में 2024 में कौन जनता से जुड़कर सत्ता से जुड़ेगा? नीतीश कुमार ने दिल्ली में डेरा डाला, विपक्ष जोड़ने के लिए मुलाकातों का दौर चला। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, सीताराम येचुरी, डी राजा, एचडी कुमार स्वामी, ओम प्रकाश चौटाला, इनसे नीतीश मिल चुके हैं। दो बात हर बार नीतीश मुस्कुरा कर कहते हैं, हम इसके क्लेमेंट है ही नहीं, उसके इच्छुक भी नहीं है। पूरे देश में सब लोग, विपक्ष, लेफ्ट, कांग्रेस, सब एकजुट हो जाएंगे ना, तो मिल करके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। क्या ये सब वाकई इतना सरल होगा? राहुल गांधी से मुलाकात नीतीश ने की, जो महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार के खिलाफ दिल्ली में महारैली करके कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं। हम कन्याकुमारी में हैं। दरअसल इस यात्रा में कई चीजें पहली बार हो रही हैं। हालांकि ये यात्रा 3,500 किलोमीटर की है, कई यात्राएं इतनी लंबी या इससे ज्यादा लंबी हुई हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्राएं गई हैं। ये पद यात्रा है और ये पद यात्रा लगातार निरंतर चलती रहेगी। तो भारत जोड़ो और विपक्ष जोड़ो के रास्ते निकले राहुल और नीतीश की एकता 24 के लिए हुई तो क्या तस्वीर बदल जाएगी? जबकि चुनौती यही है कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद 17 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, कांग्रेस ने एक भी राज्य में जीत नहीं हासिल की। समस्या ये नहीं कि कांग्रेस चुनाव हार रही, दिक्कत ये कि कांग्रेस बुरी तरह चुनाव हार रही। 17 में से 12 राज्यों के चुनाव में हार के साथ कांग्रेस का वोट शेयर तेजी से नीचे गिरा। कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव भी एक चुनौती ही है। कांग्रेस जहां बीजेपी के सामने सीधे मैदान में होती है, आंकड़े कहते हैं कि उन राज्यों में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 95% हो जाता है। दृष्टिकोण पहले दिन से है कि 31.8% वोट 2014 में मोदी जी को मिला था, जो 68.2% वोट, अगर हम इसको यूनाइट कर लें तो मोदी जी और भाजपा सैकड़ा नहीं छू सकते, 100 के नीचे रहेंगे। इसमें रत्ती भर कोई शक नहीं कि बिहार में बीजेपी को आउट करके अपनी इनिंग तेजस्वी के साथ चलाने लगे नीतीश के दांव से विपक्षियों में अभी मौका मौका वाली फीलिंग है। लेकिन एक बात देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने 37% वोट हासिल किए थे, सहयोगियों के साथ यह आंकड़ा 45% तक चला गया था। 2019 में जिन 55% लोगों ने मोदी को वोट नहीं दिया, उनके वोट कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों के बीच बढ़ गए और फायदा बीजेपी पाई। नीतीश जी अभी तक तो एक महीना पहले तक तो पक्ष में थे, अभी एक महीना के बाद विपक्ष की गोलबंदी कर रहे हैं, तो उस पर उसकी विश्वसनीयता कितनी है ये तो जनता कर पर ही आपको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बिहार में जो नया राजनीतिक प्रयोग हुआ है उसका देशव्यापी कोई परिणाम होगा। नीतीश 7 पार्टियों के साथ जैसे पूरा विपक्ष एकजुट करके बिहार में सरकार चलाने लगे, ऐसे ही संपूर्ण विपक्ष को नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं। इसके लिए बीजेपी विरोधियों को तय करना होगा कि देश में बीजेपी और मोदी का विरोध ज्यादा जरूरी है या राज्य में वही कोर वोटर और सीट जिसमें बीजेपी विरोधी आपस में लड़ते हैं। साथ ही क्षेत्रीय नेताओं की अपनी लोकप्रियता भी फिर विपक्षी मोर्चे में दांव पर होगी। सब जो है लेफ्ट पार्टी, जो स्थानीय पार्टियां हैं डिफरेंट राज्यों में, कांग्रेस, सब अगर एक साथ मिल जाएंगे, अगर एक साथ मिल जाएंगे तो बहुत बड़ी।
खुलकर खेलेगा? अगर हाँ तो क्या बीजेपी की बनाई पिच पर विपक्षी एकता का मोर्चा जीत भी सकता है? कन्याकुमारी से मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।